हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 107 पर। यहां पर हम डीपी का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम 1D डीपी पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, हमें पता कैसे लगता है 1D डीपी पैटर्न है ये? जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे होते हैं, हम चेक करते हैं कि वहां पर चेंजिंग स्टेट किस किस वेरिएबल के अंदर आ रही है। हम वहाँ पर चेक कर पाते हैं, अच्छा वहाँ पर एक ही वेरिएबल है जहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। वहाँ पहले एन था, अब वहाँ एन माइनस वन हो गया, अब वहाँ एन माइनस टू हो गया। उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी स्टेट सेम रह रही है, कि जो हम वेक्टर सेंड कर रहे थे वो सेम जा रहा है, या जो के की वैल्यू थी, जो टारगेट की वैल्यू थी, वो सेम जा रही है। तो चेंजिंग स्टेट जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे थे कि डीपी कौन सी है। अभी तक हमने जितने फंक्शन सॉल्व किए वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल अपनी स्टेट चेंज करा था। तो हमें पता था कि हमें एक सिंगल 1D एरे भेजना है, जिसके ऊपर हम डीपी या फिर जिसके ऊपर हम सारे सॉल्यूशंस को स्टोर कराएंगे और बाद में रिटर्न कर देंगे। तो 1D डीपी कहला रहा था। एक और क्वेश्चन करेंगे, पता लगाएंगे क्या ये 1D डीपी है या नहीं। अगर हाँ तो सॉल्व कैसे करना है? यूजिंग रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, यूजिंग टैबुलेशन एंड हाउ टू स्पेस ऑप्टिमाइज इफ पॉसिबल। बात समझ आती है? वेरी गुड, थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सेट डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OSDBMS वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं, कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं। आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जिसका नाम है कट इनटू सेगमेंट्स, या फिर इसे कहा जाता है रोड कटिंग प्रॉब्लम, रॉड कटिंग प्रॉब्लम, रोड नहीं, रॉड। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन एन इंटीजर एन, आपको एक इंटीजर एन दिया हुआ जो कि रोड की लेंथ को दर्शाता है। ठीक है, यू नीड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट यू कैन मेक ऑफ दिस रॉड प्रोवाइडेड दैट ईच सेगमेंट कैन बी ऑफ द लेंथ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक रॉड मिली हुई, इसकी लेंथ एन है। आप इस रॉड को एक्स वाई और जेड लेंथ के सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने उठा लूँ तो इन्होंने मुझे कहा कि इनपुट में इन्होंने बोला कि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो है 7 और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू उन्होंने मुझे दे दी कि ये 5 है, ये 2 है और ये 2 है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल, अगर रिकर्जन के द्वारा मैं देखूँ, ब्रूट फोर्स वाले तरीके से अपने दिमाग को चलाऊँ तो बहुत आसान गेम है। कैसे? मैंने कहा सिंपल है कि मेरे पास ये 7 था और मेरे पास चॉइस क्या थी, मेरे पास चॉइस थी या तो 5 या तो 2 या तो 2। तो मैंने क्या बोला कि चलो 5 की चॉइस ले लेता हूँ। तो मैंने 5 के लिए कॉल कर दिया, 5 के लिए कॉल कर दिया अभी के लिए। तो क्या बच्चा 7-5 2, अब मेरी जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्या है, वो 2 है। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरे पास फिर दोबारा चॉइस क्या है यहाँ पे, मैंने कहा फिर से मेरे पास 3 चॉइस है, 5, 2, 2। क्या मैं 5 ले सकता हूँ? मुझे 2 लेंथ की रॉड बनानी है और मैं 5 का सेगमेंट बना सकता हूँ? मैंने बोला नहीं। क्या मैं 2 का सेगमेंट बना सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। तो मैंने इस 2 को ले लिया, तो इस 2 के लिए कॉल चलेगी। बचा क्या 2-2 0। तो मैंने एक सेगमेंट तो बना लिया। इस सेगमेंट को बनाने में मेरे कितने एक्स वाई यूज हुए भैया? एक तो आपका ये यूज हुआ, एक आपका ये यूज हुआ। तो आपने इस आंसर को स्टोर करा लिया कि 2-1 आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ से वापस रिटर्न किया, यहाँ से वापस अब ये वाले 2 के लिए गए, क्या ये वाला 2 यूज कर लूँ? मैंने बोला हाँ ये वाला 2 यूज कर लूँ। फिर दोबारा 0 बन गया, फिर दोबारा चेक किया, 1 5 यूज किया, 1 2 यूज किया, आंसर क्या हो गया? 2 सेगमेंट यूज किया, 2 आंसर आए। ठीक है, यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ पे आप 5 यूज कर चुके थे कि अब आप ये 2 यूज कर सकते हो। चेक करते हैं तो आपके 2 के लिए कॉल गई, 7-2 ये 5 बन गया। और 5 के लिए आपके फिर दोबारा 3 चॉइसेस हैं यार, या तो 5 या तो 2 या तो 2। आपने बोला ठीक है, तो अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 के लिए कॉल गई, 5-5 0, कितने सेगमेंट यूज हुए इसमें? 1 ही रहा, 1 ही रहा, अभी भी 2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से रिटर्न करके वापस फिर आपकी अगली कॉल किस लिए गई? इस 2 के लिए गई। तो 5-2 3 हो गया, 3। ठीक है, पास फिर से 3 चॉइसेस हैं, या तो 5 यूज करूँ, या तो 2 यूज करूँ, या तो 2 यूज करूँ। मैंने बोला क्या ये 5 यूज कर सकता है? क्या मैं 3 की रोड को 5 के सेकंड में बना सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। तो कैंसिल आउट हो गया। क्या मैं 2 यूज कर सकता हूँ? आपने बोला हाँ 2 यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3-2 1, 1 के पास 3 चॉइस है, 5 2 2। क्या मैं 5 के सेगमेंट में काट सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 2 के सेगमेंट में काट सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इस 2 के सेगमेंट में काट सकता हूँ? नहीं। तीनों में से किसी पॉसिबल नहीं, यानी आंसर निकालना यहाँ से इम्पॉसिबल है। अगर आंसर निकाला इम्पॉसिबल है तो मैंने यहाँ पे -∞ सेंड कर दिया कि भैया इससे आंसर नहीं बन सकता, तो बाय बाय। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये वाले 2 के लिए कॉल जा चुका, इस 2 के लिए कॉल किया, इस 2 के लिए कॉल किया, 3-2 1 बन गया, फिर 3 जो है 5, 2, 2।
सेम वन को मैं ना तो फाइव में तोड़ सकता ना टू में ना टू, फिर दोबारा इसने माइनस इन्फिनिटी सेंड कर दिया, वेरी गुड, यानी थ्री के द्वारा आंसर नहीं निकल पा रहा, यहाँ से रिटर्न कर गया, अब ये वाले टू के लिए कॉल गई, ठीक है, फिर दोबारा थ्री बना, सेम आपकी दो कॉल जाएंगी यहाँ पे, यहाँ से फिर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, फिर इस वाली कॉल से फिर दोबारा माइनस इन्फिनिटी जाएगा, सेम यहाँ पे और यहाँ पे आपने किया, ठीक है, तो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला और एक बार यहाँ मिला, और बाकी आप कहीं पर भी जीरो नहीं बना पाए, कहीं पर भी जीरो नहीं बना पाए, तो आपको समझ में आता है कि आंसर आपका मैक्सिमम क्या निकल गया है, अब तक सिर्फ टू निकल गया, तो इस सेवन को सिर्फ मैं दो ही सेगमेंट्स में तोड़ सकता हूँ, 5.2 वाले में बस, और कोई तरीका नहीं है उसको तोड़ने का, बात समझ आती है। अगला एग्जांपल मेरे पास है 8 का, और मेरे पास तीन चीज़ें जहाँ पे दी हुई है 3.3.3, जैसे मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, 3 को यूज़ किया ये वाले को, तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, इस 5 के पास तीन तरीके हैं, 3.3.3, लेट्स से 3 यूज़ करता हूँ, ये 2 हो गया, 3.3.3.3, तीनों से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता, वापस चला गया, माइनस इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, ये वाला 3 यूज़ कर दिया, फिर दोबारा 2 के लिए कॉल गई, फिर दोबारा माइनस इन्फिनिटी रिटर्न हुआ होगा, फिर ये वाला 3 यूज़ हुआ, फिर 2 के लिए कॉल गई, फिर माइनस इन्फिनिटी यूज़ हुआ, यानी सॉल्यूशन नहीं बन सकता, सिम उसी प्रकार आप यहाँ से वापस चले गए, आपने फिर ये वाले 3 के लिए कॉल करी होगी, फिर कोई आंसर बन के नहीं आएगा, फिर वापस चले गए, फिर आपने ये वाले 3 के लिए कॉल की गई होगी यहाँ पे, फिर माइनस इन्फिनिटी रिटर्न हुआ होगा, इन शॉर्ट आपका 8 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 0 कहीं पर भी रीच ही नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर 3 बार 0 रीच हुआ था, एक बार आपका 5.2 से 0 रीच हुआ, फिर आपका 5.2 से वाले 2 से 0 रीच हुआ, एक बार 2.5 से 0 रीच हुआ, बट इस केस के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि 3, 3 और 3 के किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करके मैं 8 नहीं बना सकता, तो यहाँ पर मेरा आंसर बोलेगा कि आर नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट मेक 8 यूजिंग दीज एक्स वाई एंड जेड, बात समझ आती है। तो अगर रिकर्जन के थ्रू देखा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, एक बार कोड करने की कोशिश करते हैं और फिर चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि हमें रूल्स पता है कैसे रिकर्जन कन्वर्ट करना है मेमोरेशन में और टेबुलेशन में, तो मेरे दिमाग क्या कहता है कि सिंपल है, मैंने आंसर निकाल लिया, ये मेरा सॉल्व नाम का एक फंक्शन है, इसका मैंने एन कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पास कर दिया, मैं बोला ठीक है, ठीक है, तो फटाफट सॉल्व वाला फंक्शन लिख देता, मैं बोला इंट सॉल्व, और यहाँ पे मेरा इंट एन है, इंट एक्स है, इंट वाई है और इंट जेड है, बेस केस अगर लिखें, बेस केस क्या समझ आता है कि अगर मेरा जो लेंथ है रॉड की वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका क्या मतलब है, अगर वो ऑलरेडी जीरो लेंथ की है, एक जीरो रॉड की लेंथ में, लेट्स से कि आपकी रॉड की लेंथ जीरो है, तो आप कितने सेगमेंट यूज करोगे जीरो बनाने के लिए, ध्यान सोचो, अगर आपकी रॉड की लेंथ जीरो है तो आप कितने एक्स वाई जेड के सेगमेंट यूज करोगे जीरो बनाने के लिए, आप बोलोगे भाई कुछ भी नहीं, जीरो है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं का मतलब रिटर्न जीरो, वेरी गुड, इसका आपने बोला कि लेट्स से जो मेरी एन है, एन लेंथ की रॉड बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं पहले एक्स वाली रॉड यूज कर लेता हूँ, पहले कॉल एक्स वाली रॉड के लिए यूज कर लेता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, इसके आंसर को मैंने बोल दिया ए, और आपने बोल दिया वाके के लिए, यानी जो n माइनस एक्स लेंथ की रॉड है, इसका आंसर मुझे कौन ला के देगा, इसका आंसर मुझे रिकर्जन ला के दे देगा, मैंने क्या बोला रिकर्जन के लिए क्या करना होता है, सिर्फ एक के सॉल्व करूंगा बाकी रिकर्जन ला के दे देगा, तो मैंने बोला ठीक है, तो आगे के लिए n माइनस एक्स को रिकर्जन को दे दी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया होगा कि अगर आप एक्स का एक सेगमेंट निकाल लें तो बाकी कितने आंसर बन सकते हैं, n माइनस एक्स के लिए यहाँ से आ चुका होगा, ठीक है, इसी प्रकार आपने बी निकाला होगा, जहां पर आपने बोला कि एक वाई का सेगमेंट अगर मैंने यहां से निकाल लूं तो फिर मेरा कितने आंसर बन सकते हैं, उसी प्रकार आपने सी का एक आंसर निकाला होगा, अगर एक जेड का सेगमेंट मैं यहां से निकाल लूं तो मेरे कितने आंसर बन सकते हैं, तो तीन तरीके से आपके आंसर आ गए, एक आपका एक्स किया आपने, एक बार वाई किया था यहाँ पे एन माइनस वाई बन गया, एक आपने जेड किया था यहाँ पे एन माइनस जेड बन गया, तो ये तीन आंसर आपके पास आ रहे हैं, एक ये वाला आंसर आ रहा है, एक ये वाला आंसर आ रहा है, एक ये वाला आंसर आ रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं कि n माइनस एक्स लेंथ की रॉड के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट यूज कर सकते हो, n माइनस वाई लेंथ ऑफ रॉड के लिए कितने सेगमेंट मैक्सिमम आ रहे हैं, n माइनस जेड लेंथ की रॉड के लिए कितने मैक्सिमम सेगमेंट आप यूज कर पा रहे हो, क्या मुझे इन सब में वन प्लस नहीं करना चाहिए, ध्यान सोचो, क्योंकि ये भी तो एक सेगमेंट है ना, इस एक सेगमेंट से बना होगा और बाकी जितने यहाँ से आ रहे हैं, इस एक सेगमेंट से बना होगा और बाकी जितने यहाँ से आ रहे हैं, इस एक सेगमेंट से बना होगा और बाकी जितने यहाँ से आ रहे हैं, तो प्लस वन सबके अंदर होना चाहिए, मैंने बोला वेरी गुड, सही पकड़ा एकदम, प्लस वन, ठीक है, अब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर तो भैया बड़ा सिंपल है, आंसर तो इन तीनों का मैक्सिमम, क्योंकि मुझे बोला ना क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमम नंबर बताना है, तो मैंने मैक्स निकाल लिया तीनों का, मैक्सिमम निकाल लिया, मैक्स ऑफ ए कॉमा मैक्स ऑफ बी कॉमा सी, रिटर्न आंसर। एक गड़बड़ इसके अंदर हो सकती है भैया कि मान लो आपका एन जो था वो वन था और एक्स जो था वो टू था, या फिर मान लो थ्री था, या मान लो एट था, या टेन मान लो, तो 1 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 9 हो गया, तो नेगेटिव जब n लेस देन 0 होगा तब क्या कर रहे हो, वो तो आपने केस यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल सही, तो एक साथ लिखना पड़ेगा कि अगर लेट से n जो है मेरा वो लेस देन 0 हो जाए तो
तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा। हमने अभी जस्ट देखा ऊपर कि जब भी लेंथ जो है वो नेगेटिव में चली जाती है या फिर इसी केस के अंदर हमने देखा जब ये 1-5 में कर दूं तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा, 1-2-1 बन जाएगा, 1-2-2 बन जाएगा। इस केस के अंदर हम -∞ रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने बोला माइनस या फिर हमने बोला रिटर्न कर देते हैं इंट मेन को, ठीक है। इंट मेन यूज कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि यार लिमिट्स डॉट एच इंक्लूड कर लो। ठीक है, इस प्रकार आपने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लिया। और आई थिंक यहाँ पर हमने लिखा कि इफ आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है तो ऐसा करो रिटर्न कर दो 0, क्योंकि उन्होंने बोल रखा होगा अगर सॉल्यूशन नहीं बना पाते 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, चेक कर लेना, देखो यहाँ पे किया हुआ है, और एल्स वाले केस में जो भी आपका आंसर है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हमने इसको रन करके देखा क्या ये चलेगा या कुछ गड़बड़ है, ये तो चल गया। हमने सबमिट करके देखा एक बार, ठीक है आएगा क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। अब पता कैसे चलेगा कि 1DDP है 2DDP है, मैंने बोला ध्यान से देखो जितने भी पैरामीटर है कौन सा पैरामीटर चेंज कर रहा है, आपकी फंक्शन कॉल में कौन सा पैरामीटर चेंज कर रहा है। भैया एक्स हमेशा एक्स ही रह रहा है, वाई हमेशा वाई ही रह रहा है, जेड हमेशा जेड ही रह रहा है, बस एन जो है वो चेंज कर रहा है। एन यहाँ पे -x हो गया, -y हो गया, -z हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर चेंज कर रहा है, एक ही स्टेट चेंज हो रही है। बिल्कुल सही, एक ही स्टेट चेंज हो रही है, और एक स्टेट चेंज हो रही है तो 1DRSA आपका काम हो जाएगा, 1DRSA आप सॉल्व कर लेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मुझे इसी फंक्शन को, लेट से मुझे इसी फंक्शन को मेमोराइजेशन इसमें ऐड करनी है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मुझे मेमोराइजेशन ऐड करनी है, तो मैंने बोला इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉल्व मैम लिख देता हूँ। यहाँ पर एक पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन क्या करते हैं, अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन को मुझे मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना हो तो स्टेप नंबर वन क्या होता है मेरे पास कि सबसे पहले वेक्टर एक DPR बना लो, बेसिकली एक DPR बना लिया मैंने इस साइज का, n+1 साइज का। तो मैंने बोला स्टार्ट इसको इनिशियलाइज कर दो -1 से, ठीक है। n+1 साइज का क्यों बनाया भैया, मैंने बोला DP(i) दर्शाता है कि i लेंथ की रॉड का मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर मुझे n लेंथ की रॉड निकालनी है, मुझे n इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, DP(n) क्या होगा, और अगर n इंडेक्स में एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मेरी लेंथ जो है वो n+1 होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एरे जो होता है वो 0 इंडेक्सिंग बेस्ड होता है। बात समझ में आती है। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एरे जो होता है अगर लेट से मैं n साइज का बना दूँ तो उसमें इंडेक्स 0 से लेकर n-1 तक होंगे, और DP(n-1) का मतलब ये है कि n-1 लेंथ की रॉड को कितने मैक्सिमम सेगमेंट में आप दर्शा सकते हो। पर मुझे तो DP(n) चाहिए ना, अगर DP(n) मुझे चाहिए तो मुझे n+1 साइज बनाना पड़ेगा, n+1 साइज बनाना पड़ेगा। लॉजिकल, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आंसर निकाल लिया। आंसर इज इक्वल टू सॉल्व मैम n, x, y, z। अच्छा, लास्ट दो वीडियो में एक गलती कर रहे थे बार बार, वो गलती यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, आपको दर्शा रिटर्न करना। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से आंसर मेरा आ गया, इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व मैम को फटाफट कन्वर्ट करते हैं, इसको हमें मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैंने क्या किया, वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर इंट DP। ठीक है, स्टेप वन क्या होता है, इसको क्रिएट करो और इनिशियलाइज करो, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, स्टेप टू, जो भी आंसर आ रहा है उसको स्टोर करवाओ कि DP(n) इज इक्वल टू दिस, और DP(n) को रिटर्न करा दो, DP(n) ऐसे करेक्ट। ठीक है, तो स्टेप टू भी आपने कर लिया। ठीक है, ये स्टेप टू था आपका। स्टेप थ्री क्या होता है, आपके बेस केस के बाद जाओ और चेक करो क्या DP में आंसर स्टोर्ड है, कि DP(n) इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर देना इस प्रकार। तो तीन स्टेप थे, आपने तीनों कर दिए, पहला क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टोरिंग एंड रिटर्निंग, थर्ड बेस केस के बाद जाकर आंसर चेक करके रिटर्न कर दो। वेरी गुड। हम गलती जो लास्ट दो क्वेश्चन से लगातार करते रहे हैं वो ये कि सॉल्व मैम का फंक्शन तो बना रहे हैं, बट सॉल्व मैम वाले फंक्शन के अंदर ये जो रिकर्सिव कॉल है इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा बार बार TLE आ रहा था, इस बार हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व मैम, वेरी गुड। तो हमने इस बार गलती नहीं करी है, और हमने बोला कि यहाँ पर भी यही सेम चीज, हमने बोला कि एक बार चेक कर लो कि इफ आंसर इज लेस देन 0, सॉरी हाँ, तो रिटर्न कर देना 0, और एल्स वाले केस में रिटर्न कर देना आंसर। ठीक है, इसको मैं रन करके देख लिया, क्या कहता है ये, कहता है कि आपने यहाँ पे आर्गुमेंट सही नहीं करे। ठीक है, DP लिख दिया। अब रन करो, इसने बोला कहीं पर अभी भी गड़बड़ है, मैंने बोला कहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर, मैंने बोला ये लो, अब रन करो, उसने बोला करेक्ट आंसर, मैंने बोला सबमिट करो, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो इस बार हम बच गए, लास्ट के दो क्वेश्चन के अंदर हमें जानबूझ के नहीं मतलब हमसे गलती हुई थी, एक मैक्सिमम के बाद क्या था, सम ऑफ नॉन डिफरेंट, यहाँ पर हम देख सकते क्या गलती करी हमने। देखो, मैक्सिमम सॉल्व मैम वाला जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है
ये देखो यहाँ पर सॉल्व मैम लिखा हुआ है बट यहाँ पर सॉल्व मैम कॉल ही नहीं करा, सॉल्व मैम और यहाँ पर डीपी कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर डीपी कॉल करना पड़ेगा, राइट इस प्रकार। तो अब ये फंक्शन चलेगा। अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और इसको मैं कमेंटेड रहने देता हूँ, इसको भी कमेंटेड रहने देता हूँ, और अब मैं इसको रन करूँ लास्ट वाला दिखा रहा हूँ आपको, और अब सबमिट करूँ। लास्ट टाइम इस पर टीएली आया था, इस बार करेक्ट आंसर आना चाहिए, आ गया। तो ये गलती हम लास्ट बार करे थे, दैट्स हमारा आंसर सही से आ नहीं रहा था। अगला क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाला क्वेश्चन था, एक मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चेक कर लेना एक बार, उसमें भी सेम गलती हमने की होगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे इसको ठीक करना है, तो ये भी हम कमेंट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सॉल्यूशन ये हमने मेमोरिएशन के द्वारा देख लिया, अब मुझे इसको टैबुलेशन के द्वारा करना है। टैबुलेशन के द्वारा कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने एक फंक्शन लिख दिया सॉल्व टैब, उसमें मुझे जीपीआर की नीड नहीं होती, ठीक है, मैं सब कुछ यहीं पर बनाऊंगा, ठीक है। तो हम टैबुलेशन द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और टैबुलेशन द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम बॉटम अप अप्रोच लगा रहे हैं। तो एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा डीपी वाला, सबसे पहले तो वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा डीपी वाला, वेक्टर इन डीपी साइज क्या है n+1, और इनिशियलाइज किससे करें, इनिशियलाइज किससे करें, ध्यान से अगर ऊपर जाके देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जीरो वाले केस के लिए जीरो सेव करना है। तो डीपी ऑफ जीरो जीरो, डीपी ऑफ जीरो को जीरो के इक्वल करना है, तो मुझे पता लग गया। लेस देन वाले केस के अंदर इंट मिन सेटअप किया हुआ है, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग के अंदर सबको इंट मिन सेटअप कर दो, स्टार्टिंग के अंदर सबको इंट मिन सेटअप कर दो, सबको इनवैलिड आंसर बोल दो, बाद में चेक कर लूंगा कि बाद में अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैं रिटर्न जीरो कर दूंगा। समझाता हूँ कैसे। तो स्टार्टिंग हमने क्या किया, इंट मिन सेटअप कर दिया सबको, ठीक है, ये चीज कर दी। और हमने बोला कि इस बेस केस को एनालाइज करने के बाद हमें ये लगता है कि डीपी ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, वेरी गुड। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इस कोड के अंदर जीरो तो यहाँ पे सेटल, नेगेटिव केस यहाँ पे सेटल हो गया, वेरी गुड। जीरो वाला केस यहाँ सेटल हो गया, ठीक है। आंसर किसका निकालना है, एन का। तो जीरो से एन के बीच में मेरी रेंज है, जीरो से एन के बीच में रेंज है। जीरो का आंसर ऑलरेडी हमने सेटल कर लिया कि डीपी ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो बचा क्या, वन। अब वन से एन के बीच में रेंज हो गई, तो इसका मतलब हमने एक लूप चलाया 4 1 से n, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या बोला कि मुझे इन तीन रिकर्सिव रिलेशन को कन्वर्ट करना है डीपी के अंदर, कैसे निकलेगा, पहला एन माइनस एक्स के लिए, दूसरा एन माइनस वाई के लिए, तीसरा एन माइनस जेड के लिए। तो मैंने पहले वाला निकाला कि यार डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई, सॉरी, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस एक्स, ठीक है। तो पहला वाला रिलेशन लिख दिया मैंने, मैंने सिर्फ इसको लिखा अभी तक डीपी में कन्वर्ट करके, प्लस वन भी है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पर भैया एक गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, क्या कि i माइनस एक्स एक इनवैलिड इंडेक्स भी तो हो सकता है। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपने कंडीशन लगा दी कि अगर i माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सिर्फ तभी। और यही चीज़ आपने बाकी तीन इंडेक्सेस के साथ भी कर ली, बाकी तीन इंडेक्सेस के साथ भी कर ली। आपने बोला अगर i माइनस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये लो, सेम आपने जेड के लिए साथ भी कर ली कि अगर i माइनस जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फिर ये लो। और इस प्रकार से आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको डीपी ऑफ एन का आंसर निकालना था, तो आप डीपी ऑफ एन का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर डीपी ऑफ एन का आंसर लेस देन जीरो आ रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, रिटर्न जीरो। जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे की थी हमने, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और एल्स वाले केस में रिटर्न डीपी ऑफ एन। तो इस प्रकार आपने टैबुलेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व टैब, फटाफट चेक करते हैं आंसर अभी आया, बस ऐसी हवाबाजी चल रही है। रिटर्न सॉल्व टैब एन कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हमने इसको रन कर लिया और करेक्ट आंसर आ रहा है, बैक कर दिया गलती से मैंने, कुछ हटा तो नहीं हटा, हमने सबमिट कर दिया इसको एक बार और करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार हमने टैबुलेशन वाला मेथड सॉल्व कर लिया। अब किसी के दिमाग में आ सकता है भैया मेरे को ना इंटरमिन वाली चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसको -1 से करो। मैंने बोला ठीक है, लेट्स से मैंने इसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैंने इसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया तो ये हो सकता है कि आपका -1 यहाँ पे आ जाए और +1 होके वो जीरो हो जाए और आपका डी पी ऑफ आई जीरो सेट हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैंने क्या बोला कि आई माइनस एक्स इंडेक्स को मैं तभी एक्सेस करूंगा, आई माइनस एक्स इंडेक्स से मैं तभी कंपेयर करूंगा जब वहाँ पे -1 नहीं पड़ा होगा। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, एंड एंड डी पी ऑफ आई माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, यही कंडीशन हमने सब में लगा दी, और आपका कोड फिर दोबारा चल जाएगा, दोस्त, ठीक है। ऐसे इसको चला के देख लो करेक्ट आंसर, सबमिट करके देख लो करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बस समझ में आ रही है। तो वहां पे ऑलरेडी -1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे वहां, यानी -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब कि डीपीआर में कोई इनवैलिड वैल्यू पड़ी हुई है,
इसको मैं एक्सेस नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोल दिया यार, यहाँ पे अगर माइनस वन पड़ा हुआ तो मैं एक्सेस नहीं कर रहा। पर भैया इंटरमिन वाला एक्सेस क्यों किया आपने, वो भी तो इनवैलिड वैल्यू थी। मैंने बोला क्योंकि इंटरमिन में आप प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाओगे तब भी आपको बहुत सारे इटरेशन लगेगी उसको वापस एक पॉजिटिव नंबर बनाने में, जो कि आप नहीं कर पाओगे ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दैट्स व्हाई हमने ये चेक लगा दिया था ठीक है। तो इस प्रकार हमने उसको हैक कर लिया था और उसको बचा लिया था, तो इसलिए वो चल गया। और ये भी आप चला सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका, आई थिंक ये ज्यादा अच्छा तरीका उससे ठीक है। तो ये सोचना पड़ता थोड़ा सा टैबुलेशन के अंदर। तो इस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। और अब बात है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की, हमने अब तक रिकर्जन देख लिया, उसके बाद हमने अब तक रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी देख लिया, और उसके बाद हमने अब तक टैबुलेशन भी देख लिया राइट। जब हमने रिकर्जन देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे तीन रिकर्सिव कॉल जा रही है ठीक है, तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे टाइम कलेक्टेड एक्सपोनेंशियल हो गई, वेरी गुड वेरी बैड। उसके बाद मेमोराइजेशन जब इसके अंदर लगाई, हमने क्या देखा मेमोराइजेशन जब लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, n माइनस एक्स एन माइनस वाई एन माइनस जेड, तो हम ऐसा हो रहा होगा जीरो से n की रेंज में, हद से हद वर्स्ट केस के अंदर, हद से हद वर्स्ट केस के अंदर हर एक जीरो से n की रेंज के अंदर हर एक इंटीजर लेंथ पर एट मैक्स एक बार ही जा रहे होंगे, बाकी तो आंसर स्टोर हो जाएगा, तो आप वो आंसर रिटर्न कर दोगे। टाइम कलेक्टेड क्या हो गई, टाइम कलेक्टेड आपकी ओ ऑफ n हो गई। स्पेस कितना लग रहा है, रिकर्जन डेप्थ का स्पेस और आपके डीपीआरए का स्पेस, या आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। टैबुलेशन की अगर मैं बात करूं, आपका लूप चल रहा है एक से एन तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऑफ एन हो गई। स्पेस की बात करूं तो स्पेस में आपने डीपीआरए यूज किया ऑफ एन हो गई ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, क्या मैं इस ऑफ एन को ओ ऑफ वन में या कम में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस और नो, इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपका डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंडेंट है, वो चेक कर लेते हैं। मैंने बोला डीपी ऑफ आई जो है मुझे क्या दिख रहा है, डीपी ऑफ आई मेरा तीन चीजों पर डिपेंडेंट दिख रहा है मुझे, डीपी ऑफ आई माइनस एक्स पे, dp of i minus y पे और dp of i minus z पे। अगर लेट से ये i minus 1, i minus 2 और i minus 3 होता, मुझे पता होता 1, 2, 3 है, तो मेरे लिए गेम आसान थी, मैं तीन वेरिएबल बनाता कि भाई प्रीवियस 1, प्रीवियस 2, प्रीवियस 3, जैसे कि हम लास्ट के दो क्वेश्चन में कर चुके हैं, और कर देता ओ वन में हो जाता। बट यहाँ पर मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ मुझे नहीं पता z की वैल्यू क्या हो सकती है राइट। और वर्स्ट केस के अंदर आपके अगर बहुत सारे डेटा पॉइंट इस प्रकार पड़े हुए हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट इस प्रकार पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपका डीपी ऑफ आई जो है इस पे डिपेंड करता हो, इस पे डिपेंड करता हो और इस पे डिपेंड करता हो, और इन सबको ट्रैक करना मेरे बस की बात नहीं है राइट। तो मैं इनको वेरिएबल्स के द्वारा स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई तरीका है नहीं इसको सॉल्व करने का राइट। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करने भी जाऊं तो भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले ही लेगा राइट, तो आपकी ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगने ही वाली है ठीक है। सो इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें हम सिर्फ यही तीन चीजें कर पाएंगे, और हमने इसके द्वारा इसको एक्सेप्ट भी करवा दिया है राइट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही मेरे दोस्त, और लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन हमारा रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन में टीएलई आ रहा था, वो इसी दिक्कत की वजह से आ रहा था, क्योंकि हम सॉल्व मेम वाले फंक्शन के अंदर जो रिकर्जिव कॉल है वहां पे सॉल्व मेम लिख ही नहीं देते, यहाँ पे हमने चेंज ही नहीं किया, चेंज करना ही भूल गए थे, तो इस वजह से गलती हो रही थी। जिसने पकड़ ली थी वो गलती कमेंट में बताएगा आपने गलती पकड़ ली थी राइट। तो इस प्रकार हमने अपना डीपी का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जहां पर हमने ये भी सीखा कि 1D डीपी कैसे पता लग रहा है, कैसे भैया, मैंने बोला यहां से पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है मुझे राइट। तो सिंपल कितना आसान है, हम पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या करते हैं, तीन जगह चेंज कर देते हैं यार। पहले हम क्या करते हैं, अपना डीपीआरआई क्रिएट कर लेते हैं, यहां पर देखो डीपीआरआई क्रिएट कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, फिर क्या करते हैं हम जो भी आंसर होता है उसको स्टोर करा देते हैं, रिटर्न करते हैं यहाँ पे। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि बेस केसेस के बाद अपना डीपी चेक कर दो कि आंसर पड़ा हुआ, अगर आंसर पड़ा हुआ उसको रिटर्न कर दो, वेरी गुड। और उसके बाद क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, आप टैबुलेशन के अंदर क्या करते हो, आपने डीपीआई क्रिएट कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद क्या करते हो, जो भी आपका रिकर्जन का बेस केस बना रखा है उस बेस केस के हिसाब से उसमें आंसर इनिशियलाइज कर देते हो, वेरी गुड। फिर आप चेक करते हो कि किस रेंज के लिए आपका रिकर्जन कॉल हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा मुझे 1 से लेकर एन तक की रेंज में रिकर्जन कॉल हो रहा है, तो मैंने वहां पे अपना फोर लूप लगा दिया, और वहां पे जो भी मेरा रिकर्सिव रिलेशन होता है उस रिकर्सिव रिलेशन को मैं डीपी में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, और मैं अपने आंसर को रिटर्न करवा देता हूँ। तो इस प्रकार मैं रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, टैबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या करता हूँ, जो भी मेरी डीपी ऑफ आई की डिपेंडेंसी है, यानी ये और ये, इनको मैं चेक करता हूँ क्या मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कि हाँ एक डेटा स्ट्रक्चर या फिर एक वेक्टर लगाने की जगह क्या मैं एक वेरिएबल से इसको सॉल्व कर पाता, या किसी और ऑप्टिमल वे में इसको सॉल्व कर पाता, अगर हाँ तो करो और नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे बताना समझ में आता बहुत अच्छी बात है, और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।